फाइनली पहुंच गए ऊपर, लोग लंगर चख रहे हैं, बाकी बहुत ही खूबसूरत दर्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं कि आप यहाँ टाइम से पहुंच के दर्शन करके। एक लक्ष्मण मंदिर है, वाह मजा आ गया, गरम गरम। 2 बजे सब बंद हो जाता है, यहाँ से 6 किलोमीटर नीचे जाने वाले हैं। सूरज देवता निकल आए हैं, 500-700 में घोड़ा मिल जाएगा। एक घोड़े ने लात मारी, तो गाइस फाइनली पहुंच गए। बड़े आराम आराम से आए हैं, ऊपर से हम चले थे लगभग 3:30-3:30 बजे, 7:30 हुए, अराउंड 4 घंटे लगे हैं, और आराम आराम से आ गए और मौसम अच्छा हो गया था। देखते हैं, हमको ढूंढना पड़ेगा। ऑल ओवर कहानी है कि हम पहुंच चुके हैं, दर्शन करेंगे, लंगर वंगर करेंगे, आज यहाँ रुकेंगे, कल का प्लान है, कल निकलेंगे यहाँ से, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। तो भैया आगे लंगर खाने और तो दवाई खाएंगे, उसका सोएंगे आराम से। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। और जैसे कि आपको पता, हम हेमकुंड साहिब आए थे, यात्रा हमारी हो गई है, और अगर आप लोगों ने मेरे साथ यात्रा करी है तो भैया प्लीज़ कमेंट में जरूर लिख देना वाहेगुरु जी, क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि आपने भी मेरे साथ दर्शन करें। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, एक और हमारा दिन है हेमकुंड साहिब में। वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग दोस्तों। और जैसे ही पता है, कल हम अपनी यात्रा कर आए थे, रात को थक के आ गए थे, वापसी स्टे कर रहा था। अब हम यहाँ से जाने वाले हैं गोविंद घाट, ये गोविंद धाम है, दोबारा बता दें। काफ़ी लोग जा चुके हैं, ऑलरेडी टाइम हो चुका है, 9:22 हो चुके हैं। बस यहाँ से अब निकलेंगे, लंगर वंगर करके, खाना खा के, और बस ये यात्रा है। उसके बाद वहाँ से हमारा क्या प्लान रहेगा, आप बने रहिएगा साथ में, आपको पता चल जाएगा। बाकी भीड़ कम है, काफ़ी लोग जा चुके हैं ऊपर दर्शन के लिए भी और नीचे भी, बस हम ही लोग हैं जो लेट हैं। भैया लंगर चख लिया, अब पीते हैं चाय। आप ज़्यादा चाय पीते हो ज़्यादा भी ले सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, मतलब अनलिमिटेड है, जितना मर्जी पीजिए। चाय पी के यहाँ से निकलेंगे, और पीछे मेडिकल का इनका वो है, अगर आपको दवाई वगैरह चाहिए तो आप ले सकते हो नीचे जाते हुए भी, पेन किलर वगैरह जो भी एक्सरसाइज आपको। थोड़ा सा ये जो घांगरिया विलेज है जहाँ पे ये गोविंद धाम बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, लेके जाऊँगा। यहाँ पे प्राइवेट होटल्स भी हैं, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो स्टे करने, तो वो भी आप कर सकते हो, ऑप्शन है आपके पास। सब चल रहे हैं गोविंद घाट की तरफ। ऑलरेडी दोबारा बता देता हूँ, जब एंटर करते हो वहाँ पे आपको रूम के लिए मिल जाएगा, लंगर गुरुद्वारा इस साइड है, और मेडिकल कैंप भी इस साइड लगता है। बाकी तो सब बढ़िया रहे, दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, हम इनका भी आशीर्वाद ले लें और चलिए जी। आप थोड़ा सा आपको मैं घांगरिया विलेज जो है जहाँ पर ये बना हुआ है वो दिखाते हुए निकलते हैं नीचे। ऊपर देखो मौसम पूरा ख़राब है, जो लोग गए होंगे 100% स्नोफॉल हो रही है, क्योंकि रेगुलर हो रही है, मौसम ख़राब ही है। और ये पूरी मार्केट है, वैसे तो जिस दिन हम पहुंचे थे उस दिन मैंने दिखाया था, पर उस टाइम पे बारिश हो रही थी, प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा पाया था। काफ़ी सारी मार्केट है, शॉप्स हैं, अगर आप गर्म कपड़े नहीं लेके आ पाए तो कपड़े ले सकते हो, मेडिकल शॉप है, इवन अगर आपको कोई मेडिसिन वगैरह चाहिए जो अंदर नहीं मिल पा रही तो आपको यहाँ मिल जाएंगी। उसके अलावा रेस्टोरेंट्स, होटल, होटल आपको बता दूँ यहाँ पे जो हमने पूछा था 800 से लेकर 2,000-3,000 रूम है, बाकी बार्गेनिंग कर लेना, डिपेंड करता है, प्राइवेट रूम प्राइवेट टॉयलेट के साथ। बाकी बहुत ही खूबसूरत विलेज है, आप यहाँ इजीली अगर फैमिली साथ आ रहे हो प्राइवेट स्टे कर सकते हो, ये रूम बने हुए जैसे देख रहे हो सारे। यहाँ पे आपके जियो, एयरटेल और BSNL ये नेटवर्क बहुत अच्छे आते हैं। हाँ ये है कि जब बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है तो नेटवर्क क्रैश होते हैं, तो स्लो चलता है। एयरटेल है बेस्ट है, क्योंकि सबके ऐसे जियो है तो सबसे ज़्यादा उसके नेटवर्क क्रैश होते हैं। और यहाँ मोची भी मिल जाएगा, सबसे बड़ी बात मोची भैया ने पेटीएम, गूगल पे, वाह भाई वाह, ये एडवांस मोची भैया, डिजिटल इंडिया। गोविंद धाम है ये, गोविंद घाट की तरफ जा रहे हैं, और लगभग 9:30 बजे हमने सारा काम निपटा कर यात्रा स्टार्ट कर दी है। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें नीचे पहुंचने में। जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। तो भैया दर्शन बहुत ही बढ़िया हुए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो लोग मेरी दर्शन वाली वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वाहेगुरु जी नीचे कमेंट में जरूर करना, उससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है। प्लीज रिक्वेस्ट है, घोड़े वाले हो ना, मैं कुछ और तो नहीं पूछ रहा, कितना लेते हो नीचे जाने का? अरे भैया कंफ्यूज है, ये तो बहुत ज्यादा, कितना रेट है पूछा, आपको रेट नहीं मालूम? 1300 रुपया। तो भैया शुरुआत देखो कैसी हो रही है, खूबसूरत नज़ारों के साथ और बेहतरीन मौसम है, बस यही उम्मीद करेंगे कि बारिश ना हो। पाजी हो गए दर्शन या होने हैं? अरे जाना है, चलो जी बढ़िया जी, जो बोले सोनिहाल। भैया ये जो एरिया है पूरा वो हेलीपैड का है,
लास्ट टाइम दिखाया था, ये कैंप है, स्टे कर सकते हो यहाँ पे। ऑनलाइन बुकिंग है यहाँ पे, और जो प्राइस बता रहे हैं 7,500 रुपये का प्राइस बता रहे हैं कैंप का, वो लड़के बता रहे हैं, मुझे कंफर्म नहीं लग रहा मतलब, तो प्राइस तो ज़्यादा होगा नो डाउट। हेलीपैड की टिकट ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2950 रुपये की टिकट है। अगर आप वन वे आना या जाना जो भी लेनी है तो आप ले सकते हो, टिकट के लिए कोई इशू नहीं है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। और मौसम ऊपर देख रहे हो कैसा हो रहा है, बादल सारे नीचे आ रखे हैं जिसके कारण बारिश हो रही है यार, ऊपर स्नो हो रही होगी 100%। और ये बारिश ना अच्छी नहीं लगती यार, ठंड में परेशान कर देती है। बाकी तो रास्ता ठीक है, पर एक चीज़ है, जैसे हम वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं तो ये जो पत्थर बने हुए ना उनमें मसाला भरा हुआ है, तो यहाँ मसाला नहीं भरा हुआ, ये तो फिर भी ठीक लग रहा है। जो उतराई वाले पत्थर हैं वो सिर्फ पत्थर निकले हुए हैं, तो ज़ोर लगता है जब हम नीचे उतरते हैं पैरों पर। प्लेन सड़क होती है ना तो एक रिदम बन जाता है उतरने का, वो रिदम नहीं बन पाता इसमें। सुबह के 10 बज चुके हैं और 1.25 किलोमीटर बाद से आपको हेलीपैड के लिए सर्विसेज मिलती हैं। उसके अलावा आपको रास्ते में ऐसे टॉयलेट मिल जाएंगे, कहीं क्लीन मिलेंगे कहीं नहीं, कुछ क्लीन हैं। बाकी घोड़े के प्राइसिंग नीचे जाने के 1300 रुपये ऑफिशियल, अगर आप इन बिटवीन किसी से करते हैं बार्गेनिंग हो जाए तो आप सस्ता भी कर सकते हो। धाम से गोविंद घाट 10 किलोमीटर पड़ता है। तो ये गर्मी लगने लग गई है, जैकेट हमने उतार दी है और ये ऊपर से हमने ये भी उतार दिया। तो आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आप आ रहे हो, अगर आप प्लान सोच रहे हो या मैं एक दिन में यात्रा कर लूँगा, मैं सीधा चढ़ जाऊँगा, तो पॉसिबल नहीं है, कम से कम 2 से 3 दिन लगने वाले हैं। क्योंकि जब आप नीचे से ऊपर आते हो गोविंद घाट से गोविंद धाम आना पड़ता है और वहाँ रुकना पड़ता है, स्टे करोगे तो थकावट हो जाती है, उसके बाद अगले दिन आप यात्रा करके जब वापसी आते हो तो भी थकावट हो जाती है, क्योंकि 6 किलोमीटर जाना 6 किलोमीटर आना, 12 किलोमीटर जब चलते हो फिर आकर स्टे करते हो यहाँ पे, 2 नाइट तो यही हो जाती है, उसके बाद फिर आप वापसी जाते हो। तो जब आप वहाँ से आते हो जहाँ से भी XYZ पूरे ऑल ओवर इंडिया से, तो जैसे आता नीचे आप गोविंद घाट पर आप भी स्टे करोगे तो 3 रातें तो आपकी मोटी मोटी है ही। अब यहाँ से हम नीचे जाने वाले हैं, अब यहाँ से अगर हम अगर सीधा निकल जाएंगे तो निकल जाएंगे, अगर नहीं निकलेंगे तो 4थी रात भी हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि 4 से 5 रात का प्रोग्राम है, अगर हेमकुंड साहब आप आ रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जल्दबाजी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इतना टाइम लग जाएगा। ठीक है जी, बाकी सब बढ़िया है, अभी हेलीपैड का वेट कर रहे हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही थी इसलिए भी रुक गए थे, गर्मी भी लग रही थी मैंने उतार दिया, तो बाकी सब बढ़िया है। तो डायरेक्ट का चक्कर मत डालना कि आप सोचो कि नीचे से मैं आ गया हूँ 10 बजे तो ये चढ़ जाऊँ ऊपर, ऊपर जाओगे तो रुकने का नहीं ऑप्शन है, फिर आना पड़ेगा, यानी 12 किलोमीटर। और जो आगे की चढ़ाई है ना ये तो कुछ भी नहीं है, वो चढ़ाई इतनी ज़्यादा है भैया कि बस तूती बोल जाएगी, और ऊपर से रास्ता इतना ख़राब, बारिश और स्नोफॉल जिसकी वजह से कीचड़, बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब है। और इन घोड़े खच्चर वालों से बच के रहना, बहुत लोगों को गिराते और लात भी मारते हैं, मेरे को मेरा नंबर ना दे बस, बाकी सब ठीक है। कल के रास्ते में 2-3 घोड़े वाले ने लोगों को गिराया, तो देख लेना। तो भाई लोग बारिश स्टार्ट हो गई यार बहुत ज़्यादा, देर से हम खड़े हैं, हेलीकॉप्टर का वेट कर रहे हैं, मैं कहा शायद 2-4 रीले बना ले पर हेलीकॉप्टर भी नहीं आ रहा। मैं प्लान कर रहा था हेलीपैड से जाने का, मैं सोच रहा था कि देखा जाए क्या एक्सपीरियंस रहता है यहाँ का, पर आ नहीं रहा हेलीपैड, तेज हो गई तो बारिश तेज़ हो गई है, और थोड़ा सा थकावट के कारण चंदन भैया की तबीयत खराब हो रही है, बॉडी में पेन है ना, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बुखार ना हो जाए। मुझे 3 दिन हो गए नहाए हुए, नहाने की वजह से बीमार होने वाला है ना, ये नहाता नहीं है बीमार हो जाता है। चलो निकलते हैं भाई यात्रा ऐसा ऐसा करते हुए चलते हैं, आ जा भाई, आ जा आ जा, ये देखो इसकी व्लॉगिंग नहीं खत्म हो रही। किस तरह रही यात्रा ताड़ी उत्तर तक दी? बहुत बढ़िया रही, तंगा वंगा दर्द नहीं हो रही है, पहुंचने वाले हो? पहली यात्रा है, मैंने बस पहुंच गए पटियाले, बस पहुंच गए होंगे तो 20 मिनट बनी है मुश्किल ना। भाई साहब बारिश तो इतनी देर से बंद ही नहीं हो रही, सड़क के हाल देख लो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, यहाँ बारिश का मतलब ऊपर दबा के स्नोफॉल हो रही है, तो जो उतरने में दिक्कत हो रही है, स्लिप हो रहे पैर। अराउंड 2.5-3 किलोमीटर बाद ब्रेक लिया और बारिश बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, रास्ते बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गए हैं, जिसके कारण उतरते हुए आपके शूज़ जो ध्यान से ग्रिप ना सही जगह रखना, वरना पक्का स्लिप हो गए, एक बार गिर गए तो ये मिट्टी नहीं है पत्थर है, और ऐसी किसी जगह लग गई ना तो दिक्कत हो सकती है। तो देख लो बारिश करके यहाँ काफ़ी भीड़ है। कितो है भाजी सारे जा रहे उत्ते? जा रहे, जा रहे। चलो जी, जो बोले सो निहाल। चलो जी यात्रा थोड़ी सफल रहे, बढ़िया। 2 दिन से लगातार चल रहे हैं तो थोड़ी सी हालत ऐसी है, शरीर थोड़ा सा पी 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 कर रहा है। आप जो बोले सो निहाल, हिम्मत ना हारो जी, पहुँच जाओगे। ऊपर में मधुमक्खी के छत्ते हैं आगे, ये देखो कितने भयंकर। अरे भाई, तो भैया बारिश जो ऊपर से शुरू हुई है गोविंद धाम से, अप्रॉक्सीमेटली हम 4-4.5 किलोमीटर चल के आ गए हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम चलते हुए जा रहे थे ऊपर चढ़ाई चलते हुए, ये आपके साथ भी होता होगा, बहुत ज़्यादा सांस फूलती है, मतलब थकावट नहीं होती, सांस फूलती है, उसके बाद क्या होता है कि बार बार बैठने का मन करता है। और अभी हम नीचे उतरते हुए आ रहे हैं, ये मेरे ख्याल से दूसरा, हार्डली दूसरा या तीसरा स्टॉपेज होगा, और लगातार चल रहे हैं,
उसके बावजूद कि हम कल 12 किलोमीटर सीधा गए थे और सीधा वापसी आए थे, थोड़ा बॉडी में थकावट भी है, थोड़ा पेन भी है, तो कोई दिक्कत नहीं। बाबा जी ने बुलाया, दर्शन बहुत अच्छे होने वाले हैं, हिम्मत करके आना। थोड़ा सा ध्यान रखना, बारिश कभी भी हो जाएगी और होगी होगी, क्योंकि ऊपर मौसम हमेशा ख़राब रहता है, स्नोफॉल रहती है, तो प्लीज़ विंडशटर या फिर अपना छाता वगैरह लेके आइएगा जरूर, और ठंड के लिए ठंड के कपड़े भी जरूर लेके आइएगा। हूँ पैदल जाने वाले हो? वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, तो शाला मारो, वाहेगुरु जी का नाम लो, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, नाम लेंदे रहो, आराम आराम ना, स्टेप छोटे छोटे लो, बड़े स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। नज़ारे देख रहे हो कितने खूबसूरत है, पर ये बारिश की वजह से सुबह से हेलीपैड नहीं चला। तो भैया ये पुल नया बन रहा है, रास्ता भी तैयार हो जाएगा शायद अगली बारी में। चक के लगे जाना है, कितने साल था? 1.5 साल था। वाहेगुरु जी, वाहेगुरु। तो भाई लोग एक स्टॉप और ले लिया है, देख रहे हो एक जैकेट और उतर गई है, पूरी टी शर्ट अंदर भीग चुकी है। अब मैं थोड़ी देर बैठ के ना थोड़ा सा वो करूँगा, नहीं चलते हुए ठंडी हवा लगी ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। और बारिश थोड़ा थम गई है, मौसम थोड़ा साफ हो गया है। हाफ जर्नी हमने और कवर कर लिया, नीचे तक आ गए हैं, और ये वही जगह जहाँ लास्ट मैंने अपने ड्रोन शॉट दिखाए थे। अगर नहीं देखे तो भैया जाके चेक कर लीजिए, क्योंकि मैं दोबारा ड्रोन नहीं उड़ाने वाला, क्योंकि जब से हम चल रहे हैं इतना मौसम खराब है, ऊपर हेलीपैड भी नहीं जा रहा, बंद पड़ा हुआ है। तो जैसी बात है हम उड़ाएंगे तो भैया हमारी मशीनरी भी तो खराब हो सकती है, तो भैया समझा करो। ड्रोन शॉट आप पहले वाले व्लॉग में जाकर देख लो, नज़ारे बहुत खूबसूरत है। आप देखो वादियाँ इतनी प्यारी हैं कि पूछो मत, पूरे बादल नीचे आ रखे हैं, इतने खूबसूरत नज़ारे हैं। बाकी तो सब बढ़िया है, चाय वाय पीते हैं, थोड़ा सा चंद्र भैया का वेट कर रहे हैं, हम तो तीनों आगे आ गए हैं, चंद्र भैया हमारे पीछे रह गए हैं, उनके नेटों को भी आ नहीं जाए। चाय वाय पी के फिर निकलेंगे यहाँ से, थोड़ा सर में भी हल्का हल्का दर्द है, बॉडी में ना हल्का हल्का पेन है, थकावट है पूरी बॉडी में, रेस्ट ज़रूरी है, पर क्या कर सकते हैं। जो बोले सो निहाल। तो भैया आ गई अपनी चाय, और बचपन की यादें हम दोबारा याद करेंगे। हम खाएंगे पार्ले जी बिस्कुट डिप डिप करके। लाओ जी, लाओ हमारे पार्ले जी बिस्कुट लाओ। ये आ गए पार्ले जी बिस्कुट। ये सब ये ना ट्रैवल के टाइम पे अच्छा लगता है, घर पे तो भूल जाते हैं सब कुछ। भाई कितने लोग पार्ले जी चाय में डिप डिप करके खाते हैं, क्या खाते थे कमेंट जरूर करना। अलग ही ये मतलब बात है, देखो ये डिप और ये, तो कई बार तो ऐसा होता था ये बिस्कुट डुबोते बोले डुबकी मार के अंदर ही टूट जाता था, बहुत बार टूटा था ना, मज़ा आ जाता था। तो वो फीलिंग मतलब बचपन में अपना भूलना नहीं चाहिए। दवाई दवाई मैं पार्ले की बात कर रहा हूँ, ये दवाई की बात कर रहा हूँ, लोकल बात। कमेंट करके जो बताना, जो पार्ले बिस्कुट खाते थे तो उनका डिप करके गिर जाता था, जो अभी भी खाते वो भी बताना भैया। भैया बहुत बहुत बढ़िया लगा, दर्शन बहुत प्यारे हुए है ना। तो जो बोले सो निहाल, मजा आ गया जी, मजा आ गया। कारे के जावे निहाल हो जावे साहिब, एक माल साहिब श्री गुरु गुरु गोविंद सिंह जी दे मानु पावे सत श्री अकाल। क्या बात। तो फाइनली भैया साफ सड़क आ गई है, बड़े बड़े पत्थर वाला रास्ता गया, अब काफ़ी हद तक इसी तरह की सड़क मिलने वाली है, और यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर आ जाता है आपका, और वहाँ से फिर गाड़ी लेनी पड़ेगी, 50 रुपये लेगी, जो कि 4 किलोमीटर तक का आपका सफ़र तय करवाएगी। भैया जाते हुए तो मैंने बताया था जब हम चढ़ रहे थे चढ़ाई, और अभी आते हुए दोबारा बता देते हैं, यहाँ पर आपको मेडिकल से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्या हाल चाल भाजी? हाँ जी, अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक 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 ठीक, मसाज भी है, भी मसाज भी है, अच्छा अच्छा रुकने का प्रबंध भी है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। 16 साल तो कर रहे हो? हाँ जी ठीक है सर, और सारा सब फ्री है? सब फ्री है जी, देख लो सर सब फ्री कर दे। अगर दान पुण्य करना है किसी को तो मैंने लास्ट टाइम इनका कार्ड दिया था, दोबारा दिखा देता हूँ, तो आप इनके अकाउंट में कुछ ना कुछ अगर आपको कुछ भी वो करना है तो कर सकते हो। एक बार कार्ड पाजी द्वारा दिखाए अपने, कोई गूगल पे पेटीएम नंबर है? 9316 3 9316 3 0000 0000। किस नाम तो है? जगजीत सिंह से नाम से है, तो यहाँ पे आप अपना गूगल पे पेटीएम जो भी आपकी श्रद्धा हो वो कर सकते हो। आप मालिश वगैरह करानी हो तो कर सकते, मशीन वगैरह लगनी है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। पाजी दो बार दर्शन करके आए, मतलब उत्ते जाके 6 किलोमीटर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। तो पता नहीं इतनी बारिश हो रही है, लोग इतने छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हैं, देखो परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ। तो भैया जी बारिश ने तो कमाल कर दिया है, मतलब ऊपर वाले के शुक्रिया ही कहेंगे, क्योंकि हम दर्शन करके आए हैं तो मौसम साफ हो गया था, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, पर जो हम उतर रहे हैं और जो लोग जा रहे हैं भैया उनका पता नहीं क्या होने वाला, लगातार बारिश हो रही है ऊपर से लेकर टिल नीचे तक, और ऊपर तो स्नोफॉल हो रहा है, तो भैया ऊपर वाला ही उनका दर्शन अच्छे से करा दे बस, हम यही चाहेंगे। बाकी तो पहुंचने वाले हार्डली मेरे ख्याल से 2 या 3 किलोमीटर और रह गया है,
उसके बाद फिर गाड़ियाँ मिलती हैं, गाड़ी लेके फिर हम पहुँचेंगे घाट। तो दोबारा बोल रहे हैं, अगर आपने मेरा दर्शन वाला ब्लॉग नहीं देखा तो भैया जाकर चेक कर लीजिए, बहुत बढ़िया दर्शन हुए थे। मैंने अंदर गुरुद्वारे के अंदर भी वीडियो बनाई है बकायदा, तो प्लीज़ अगर जो लोग देखेंगे तो वाहेगुरु नीचे जरूर कमेंट में करना। फाइनली भैया बारिश रुकी और बिल्कुल एक किलोमीटर रह गया, कीचड़ बहुत रुका है, ध्यान से उतरना पड़ेगा। करते हैं बात, कीचड़ क्रॉस कर लूँ, देखो बहुत ही गंदा कीचड़ रखा है। उस कैसा है, बढ़िया? अरे सुसु करने लगा है, ये हमारी धार, ये देखा। तो भैया यहाँ लिया जा रहा है टाइम लैप, और ये खूबसूरती, बारिश रुक गई है, ये बात अच्छी हुई है भाई साहब, नज़ारा एक नंबर है, खूबसूरत। ये थोड़ा धुंध नहीं होती ना, डाउन उड़ाता यार, यहाँ पे हेलीकॉप्टर वैसे नहीं उड़ रहा। Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me one. अभी लिया है ड्रोन शॉट, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा हो, लाइक एक मार देना। और ऐसे ही छोटे मोटे ड्रोन शॉट लेते रहते हैं जहाँ नज़ारे अच्छे लगते हैं हमें, तो नए हो सब्सक्राइब भी कर देना, बने रहिएगा क्योंकि हम अगले व्लॉग में आपको मिलने वाले हैं बद्रीनाथ के अंदर, क्योंकि ये हमारा ट्रैक ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं और बस नीचे पहुंचने वाले थोड़ी देर में। कल से हम यात्रा कर रहे थे तो ऑलमोस्ट हम साथ ही चल रहे थे, ये पूरी फैमिली पंजाब से आई हुई है और इनके साथ दो बच्चे भी हैं, बड़े छोटे छोटे, 4 साल का 8 साल का, वो भी ऊपर तक गए पर ऊपर डॉक्टर ने आने के लिए मना कर दिया, तो ऑक्सीजन प्रॉब्लम ऊपर जा रहा है। किस तरह दर्शन आपने? तो फाइनली भैया हम पहुंच गए पुलना विलेज, और अब यहां से आपका ऑप्शन है, गाड़ी भी जाती है 50 रुपये लेती है जो गोविंद घाट तक छोड़ देती है, यहां से अराउंड 4 से 5 किलोमीटर है ना, तो आपकी चॉइस है। अब ज़्यादा थके हो तो गाड़ी में बैठ सकते हो, चलने की हिम्मत है तो उतरते पहुँच जाओ। हाँ रास्ता सीधा ही है, स्लोप है। कैसा रहे सर दर्शन? बढ़िया रहे सर, बढ़िया रहा। हाँ भाई छोटे उस्ताद बढ़िया रहा दास जी। हाँ भाई दास दे पता किस तरह रहा दास भाई? ऊपर तक हो गया आया। हाँ जी बाबा जी भी उत्तर दर्शन करके आए, नहीं तबीयत खराब हो गई थी ना, हाँ, पर बाबा जी ने बुलाया सी, दर्शन हो गए बढ़िया। देख लो जी दर्शन करके आए हैं ऊपर, वो भी पैदल, थोड़ा नहीं कितना ना इन्होंने, पैदल जी पैदल, कमाल हो गई जी कमाल। पूरा हेलीपैड जो खड़ा बेचारा सुबह से। फाइनली पहुंच गए हम अपनी जगह, यानी गोविंद घाट जहां से हमने यात्रा स्टार्ट करी थी, ये वो पुल था, ये पीछे गुरुद्वारा मेरे, आगे पार्किंग है, अभी जाएंगे गाड़ी लेंगे और यहां से थोड़ी देर में निकल जाएंगे बद्रीनाथ के लिए। और अगर यात्रा बहुत अच्छी रही, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपने मेरी लास्ट दर्शन वाला ब्लॉग नहीं देखा तो जाकर चेक करिए, और वाहेगुरु जी का नाम लेके एक कमेंट करिएगा कि आपने चेक कर लिया है। तो आज के ब्लॉग को करते हैं ख़त्म, अभी हम जा रहे हैं यहाँ से बद्रीनाथ, कैसे जाएंगे, क्या रहेगा, क्या सिस्टम है, सब कुछ आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहिएगा साथ में, यहाँ तक वीडियो देख लिया लाइक मार देना, ज़्यादा अच्छी लगे शेयर कर देना भैया, और नए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय गाइस, बाय बाय, बाय बाय। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।